मैं विष्णु मोदी, हमारे रेणुकूट में लायंस क्लब के बैनर के नीचे ABPS स्कूल के बच्चों द्वारा प्लास्टिक के बारे में जागरूकता अभियान के तहत दो दो बच्चों की टीमों ने हर दुकान पे जाके प्लास्टिक के यूज़ के बारे में, कौन सी प्लास्टिक यूज़ करनी चाहिए, कौन सी प्लास्टिक नहीं यूज़ करनी चाहिए, एक प्लास्टिक के जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके तहत रेणुकूट के सभी दुकानदारों को एक जानकारी देने की कोशिश की गई है कि प्लास्टिक किस तरह के यूज़ करें, उसको किस तरीके से रीयूज़ करें, उसको वेस्टेज ना करें, उसको सड़कों पे ना फेंकें, इसी तरह का एक अभियान चलाया जा रहा है। ये ABPS स्कूल के बच्चे हर दुकानों पे जाते हुए जो एक प्लास्टिक जागरूकता अभियान के तहत सभी दुकानों पे जा रहे हैं। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि अगर प्लास्टिक इतना ही गलत है तो सरकार बंद कर दे। सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर से कुछ भी बंद कर सकती है, लेकिन इससे बच्चों की अपनी मानसिकता भी बदलती है और बच्चों के इस अभियान से और व्यक्तियों की भी मानसिकता बदलने में काफ़ी मदद मिलती है। पटेल इलेक्ट्रिक जनसंख्या उतनी देश की नहीं थी और बहुत कम युद्ध होता होगा तो उतना हार्मफुल नहीं था। और अब आपसे अनुरोध है कि जब आप नहीं रखेंगे तो कस्टमर भी आपसे नाराज नहीं होंगे, खुद अपनी व्यवस्था करके लेके आएंगे। तीन चार दिन पहले जब ABPS को रैली निकली थी तो उससे कहना बहुत लोग प्रभावित हुए। आज मैं प्लास्टिक किसी को देता भी ना तो वो खुद ही मना करता है कि प्लास्टिक मत। हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि खुद मतलब खुला एक चीज हमको आज बाजार में घूमते समय ये पता चली कि लोग कहते हैं कि इसको गवर्नमेंट क्यों नहीं बंद कर देती। तो मेरा ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट बंद ही कर देगी तो फिर जागरूकता अभियान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर तो वो लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा। गवर्नमेंट भी किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप चैनल्स में ही उसको बंद कर सकती है, तो हम लोगों की भी एक उत्तरदायित्व बनता है। सबसे अच्छी बात देखने को मिली कि सब्जी वालों ने प्लास्टिक को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, वो बहुत खुश हैं। जब हम कभी जाते हैं बिना झोला लिए और सब्जी नहीं लेके आ पाते हैं तो अगली बार थैला ले जाने के लिए अपने आप याद रहता है। इसलिए ये जागरूकता अभियान में शामिल होके बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है और अब आगे का जैसा होगा हाल वैसा आपको दोबारा अगले वीडियो में बताएंगे। हम भी ये शपथ लेते हैं कि जैसे बच्चों ने आके बताया हमको, आगे से हम भी उस पर क्या नाम है करेंगे और सबको राय देंगे कि प्लास्टिक का यूज ना करें। हम भारत के नागरिक प्रतिज्ञा करते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पॉलिथीन एवं प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं हम लोग नीलकमल फरेंसिंग हाउस में सुनील भैया के साथ हैं और इन्होंने हम लोग का बहुत साथ सपोर्ट दिया है और ये खुद बोले हैं कि अब जो कस्टमर भी मेरे पास आएगा पहले मैं उसको जगाऊंगा फिर सामान अपना सेल करूंगा। जय हिंद भैया।